वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होगी फसाड लाइटिंग, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत होगा काम। बनारस में काल भैरव जयंती पर 1051 किलो का काटा गया केक, हर हर महादेव का हुआ जय घोष। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में दान में आए सोने चांदी के बनेंगे सिक्के, इसकी बिक्री से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जाएगी बेहतर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रबंध समिति की होगी बैठक, नए कामों और नई दर्शन व्यवस्था पर होंगे निर्णय। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और डैम्पियर नगर के म्यूजियम में फसाड लाइटिंग यानी विशेष प्रकार की लाइटिंग की जाएगी। फसाड लाइट्स का मुख्य काम किसी इमारत की विशेषताओं को उजागर करना है। इसमें रोशनी के लेवल, कलर और इफेक्ट्स को कंट्रोल के माध्यम से प्रोग्राम किया जा सकता है। ये कार्य मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत 2,22,00,000 रुपए की लागत से होगा। इसके लिए आधी आधी राशि का भुगतान राज्य सरकार और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण करेंगे। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। काशी में उनकी जयंती पर विशेष श्रृंगार और पूजन के साथ ही 1051 किलो का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस केक को बड़े से टेबल पर लगाया गया और फिर भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ इसे काटकर उत्सव मनाया। करीब 14 साल पहले 51 किलो के केक काटने से इसकी शुरुआत हुई थी। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में सालों से जमा दान में आए सोने और चांदी के अब सिक्के बनाए जाएंगे। प्रदेश के मंदिरों में करीब 6 क्विंटल सोना और लगभग 234 क्विंटल चांदी जमा है। इनसे बनाए गए सोने और चांदी के सिक्के श्रद्धालुओं को बिक्री किए जाएंगे। सिक्कों से प्राप्त होने वाली राशि मंदिर कमेटियों के पास रहेगी, जिसका उपयोग श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए किया जाएगा। उज्जैन में अगले सप्ताह मंदिर प्रबंध समिति की बैठक होगी, जिसमें महाकाल लोक परिसर के भीतर नए कामों की शुरुआत के साथ साथ नए साल की दर्शन व्यवस्था भी तय की जाएगी। इस दौरान भस्म आरती दर्शन के लिए शुल्क लेने संबंधी निर्णय भी लिए जा सकते हैं। साल 2023 की विदाई और नए साल के आगमन की घड़ी में देश भर से हजारों भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुँचते हैं। अनुमान है 25 दिसंबर से दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर में जोर शोर से काम चल रहा है। अयोध्या का श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ उड़ान भी शुरू हो जाएगी। यहां 2200 मीटर का रनवे शुरू होने जा रहा है, जिस पर छोटे विमानों के साथ ही बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमान भी आवाजाही कर सकेंगे। इसकी क्षमता प्रति घंटे 2 से 3 फ्लाइट की होगी। अयोध्या में पहले 178 एकड़ में बहुत छोटी सी एयर स्ट्रिप थी। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर परिसर में भव्य भगवती जागरण का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में माता के भक्तों ने 51 दिनों के लिए माता की चौकी रखने का मिलकर संकल्प लिया है। इस आयोजन में रात 9 बजे से राष्ट्रीय स्तर के भजन गायक माँ भगवती का गुणगान करेंगे। इससे पहले कभी 21 या फिर 41 दिनों की चौकी का आयोजन होता आया है।